अच्छा, ये जो उर्दू की बात आपने कही, कभी टनिशा ने आपको बताया कि कोई प्रेशर था उस पर, कोई दबाव था, या वो खुद से उर्दू बोलना चाहती थी, क्या था? नहीं, वो प्रेशराइज तो हो रही थी दिन ब दिन, मेरे को लग रहा। मैंने उसको बोला, मैं कह टनिशा तो इतनी चेंज क्यों हो रही है? नहीं नहीं मम्मा, प्रेशर है, शो का प्रेशर है, ये है वो है वो, ना बात को ना उसने पलट दिया। लेकिन वो परेशान थी, शीज़ान की वजह से तो वो बहुत परेशान थी। और जिस दिन ये हुआ है, शीज़ान ही उसको लेके गया है। और जो कि मैं नहीं कहूँगी कि जो 5-5 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है, वो इतनी दूर हॉस्पिटल लेके गया उसको, मतलब सेट से शिजान उसको हॉस्पिटल ले गया। हाँ, ले गया। और तो वो आप बता रही हैं कि बहुत दूर का हॉस्पिटल क्यों ले गया? क्यों ले गया, मैं ये क्वेश्चन पुट। और वो जो 15-20 मिनट में इनकी बातचीत हुई है लंच ब्रेक पे, क्या झगड़ा हुआ है, ये क्या है, मेरे को पता चलना चाहिए कि क्या है। और मेन बात है कि शिजान ड्रग्स लेता था, ये उसका मेरे को डॉप टेस्ट करवाया जाए। लेकिन शिजान को आप इस मौत की जिम्मेदार मान रही हैं? बिल्कुल मान रही हूँ, बिल्कुल, उसकी पूरी फैमिली को मान रही हूँ। उन्होंने इतना उसको इन्वॉल्व कर लिया था, वो उन पे इतना खर्चा करने लगी थी। टनिशा ने मेरे से बिना पूछे अपने सब फ्रेंड सर्कल से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, जो कि जिंदगी में उसने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पैसे आप नहीं देती थी, सारे मने आप मेरा अकाउंट चेक कीजिए, मैम आप अकाउंट चेक कीजिए, मैंने ये 3 महीने में 3 लाख रुपया उसको गूगल पे किया है। यू जस्ट चेक माई फोन। वो मुंह से चीज निकालती थी, उसको कोई चीज ऐसे, उसने कहा 3 BHK मैंने लेना जिसका 50,000 रेंट है। मैं वो फ्लैट में रह रही थी, उसकी चॉइस का फ्लैट, उसका बेडरूम देखने वाला था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। गाड़ी उसने अच्छी ली, मम्मा ये वाली लेनी है, मैंने सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है तो लेनी है, तो ठीक है लेनी है। पवन जी ने पहले ये आरोप लगाया है कि ये लव जिहाद का मामला है, धर्म को लेकर एक दबाव था, आप इस पर क्या सोचते हैं? इससे पहले कि मैं उनसे पूछूं, आप इस पर क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि दबाव तो था टनिशा पे, क्योंकि शिजान टनिशा बिलोंग्स टू शर्मा फैमिली एंड ही इज़ फ्रॉम मुस्लिम, तो इनका था आपस में। अब ये क्या करते थे, अब ये तो मेरे को नहीं मालूम है क्या चल रहा था इनके बीच में। और ये नौबत, ये जो इसने स्टेप उठाया टनिशा ने, जहाँ किसी ने कुछ किया उस पर, ये तो वो ही जानते हैं, मैं तो नहीं थी वहाँ पे उस टाइम।